रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पूर्व सांसद सुनील सोनी को यहां से टिकट दिया गया है। रायपुर से दिल्ली तक गहन चर्चा होने के बाद इस नाम पर सहमति बनी है। ये भी कहा जा रहा है कि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की पसंद को पार्टी ने प्राथमिकता दी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी जल्द अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार देगी। इस सीट पर 13 नवम्बर को उपचुनाव होगा। वैसे तो रायपुर दक्षिण भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस इस किले को और आजमाइश कर रहा है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है, कांग्रेस की पूरी तैयारी है, इस बार रायपुर दक्षिण में कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन संभवतः आज मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी कांग्रेस का ऐलान हो जाएगा। इतने दावेदार होते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी दावेदार होते हैं, हर व्यक्ति की इच्छा होती है विधायक बने, परंतु घोषित होने के बाद आपने देखा होगा कोई स्वर किसी ने कोई बात न मीडिया में आई न सामान्य तौर पर आई, सभी लोग काम पे लग गए हैं। परंतु कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है, वो लोग एक दूसरे के कुर्ते फाड़ने में विश्वास करते हैं और यही कारण है कि अभी तक इनकी टिकट अभी फाइनल नहीं हुई।